जय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोमेंदर सीएसएफ में। दोस्तों, हम नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे और स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। डीएसएसबी की वैकेंसी है, ठीक है। डीएसएसबी डिपार्टमेंट में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, 10वीं पास वैकेंसी है, नई वैकेंसी है, 2024 की पहली वैकेंसी है, ठीक है। कितना पोस्ट है, कौन अप्लाई कर सकता है, हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपके पोस्ट कोड, क्योंकि जब आपकी एग्जाम आएगी तो पोस्ट कोड के हिसाब से आएगी। आपका पोस्ट कोड है 812-24, है ना। किसकी पोस्ट है? मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 8 फरवरी 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 8 मार्च 2024 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, ठीक है। हम चर्चा कर लेते हैं। ये 15 डिपार्टमेंट है, टोटल 15 इसमें डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सभी सभी में पोस्ट, आपकी नेम पोस्ट तो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की है। यहाँ पे पे लेवल आपका दिया गया है और आपकी वैकेंसी किस कैटेगरी की कितनी है, इनके बारे में पूरी चर्चा की है। जहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है वो बैकलॉग वैकेंसी, मतलब या तो उसमें से कोई छोड़ गया या पिछली बार जो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई उनका मतलब आपको समझा जाएगा स्टार का मतलब, ठीक है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में एकदम स्पीडली हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखो टोटल यहाँ पे एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। टोटल 15 डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये डिपार्टमेंटों के नाम दिए गए हैं, सारे अच्छे हैं, आपको जो बेटर लगे उनमें भर सकते हो, है ना। मैं पहला आपको समझा देता हूँ आपका डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट के, क्योंकि सभी की सेम क्वालिफिकेशन है, बस वैकेंसी किस में कितनी है ये डिसाइड किया है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट का नाम है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज, इसमें UR की 87 वैकेंसी है, OBC की 64, SC की 4, ST की 16, EWS की 23 और टोटल 194 वैकेंसी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से डिसाइड किया है। आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लियर लिखा है, आप 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है। 10वीं पास आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप एकदम फ्रेशर हो, भर सकते हो। पे स्केल क्या है, 18,000 से 56,900 आपकी पे स्केल है और ग्रुप सी की वैकेंसी है, डी की नहीं है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 18 से लेकर 27, ये UR के लिए है, ठीक है। अब OBC में इसके लिए छूट मिल जाती है 3 साल की, और ST और SC को छूट मिल जाती है इसमें 5 साल की। तो आप 27 में 5 प्लस कर लो, 32-33 साल के हो आप, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। इनमें सेम जानकारी दी गई है। ये नोटिफिकेशन में क्या है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेम सभी में सेम क्वालिफिकेशन है, बस पोस्टों का फ़र्क है। देखो मैं आपको इस धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, पोस्टों का फ़र्क है और सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। कुछ किसी में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ग्रुप सी की है, ये सभी इसमें दिखाया गया है, ठीक है। अब मैं आपको और बता देता हूँ आगे, आपका क्राइटेरिया मैं बता दिया है आपको, इंडिया के आपको होने चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है, ये इसमें लिखा गया है, ठीक है। आप अप्लाई किस तरीके कर सकते हो, dssvonline.nic पे जाके आप सीधे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया है अप्लाई, आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखो 100 रुपये की फ़ीस है, 100 रुपये की फ़ीस है। वुमेन कैंडिडेट कैन बी बिलोंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWA एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, कोई फ़ीस नहीं है ना, वुमेन कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फ़ीस ओनली UR के लिए और OBC के लिए है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, है ना। 100 रुपये फ़ीस है, ज़्यादा भी फ़ीस नहीं है। और एग्ज़ाम स्कीम क्या है, आपके टायर फर्स्ट जनरल मल्टीटास्किंग, एक ही पेपर आपका होगा इसमें, एक पेपर से ही आप सीधे सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, ये पोस्ट कोड है आपका, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, आपको जान लेना है। 200 टोटल क्वेश्चन आएंगे और 200 ही मार्क्स के आएंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग यानी अभी लिखा नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं है, फिर भी अगर जब नोटिफिकेशन आएगा एडमिट कार्ड के टाइम मैं आपको बता दूंगा अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो, है ना। 200 टोटल नंबर हैं, आप ये जान लो जनरल अवेयरनेस कितने क्वेश्चन के आएगी, है ना। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, जिसमें सब कुछ है, है ना। जनरल अवेयरनेस का मतलब इसमें करंट भी है, GK भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सब कुछ इसमें शामिल है, ठीक है। 40 नंबर में, 40 नंबर के आपके रीजनिंग इंटेलिजेंस, रीजनिंग आपकी आएगी 40 मार्क्स की। अर्थमेटिक मतलब मैथ आएगी आपके 40 नंबर के। टेस्टिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 40 नंबर का। और 40 नंबर के आपके आएंगे
इंग्लिश, ठीक है। तो 40 5 सब्जेक्ट है, मतलब टोटल 200 आपका हो चुका है, ठीक है। तो 40 नंबर का एक है, 5 5 सब्जेक्ट है, टोटल 200 नंबर का आपके क्वेश्चन आएंगे, 200। ये आपने जान लिया क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है जो आपको दोनों लैंग्वेजों में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स टू रिटर्न एग्जाम ऑब्जेक्टिव गिवन सब पैरा 6 में मिनिमम कितने क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं आपको नीचे बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्लियर लिखा है नेगेटिव मार्किंग विल एप्लीकेबल डिटेक्ट 25, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें क्लियर लिखा गया है, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी, पोस्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हो, जब आप फॉर्म भरोगे तो पोस्ट प्रेफरेंस जिस हिसाब से दोगे उस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी, जब आपके जितने नंबर होंगे उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और एसटीएससी पीडब्ल्यूडी 30% नंबर आपको लाना जरूरी है, तभी जाके आप मेरिट में आओगे, ठीक है। इससे कम नंबर है आपका, चाहे कम कट ऑफ जाए फिर भी आपका नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ये रिजर्वेशन के बारे में कुछ बेनिफिट दिया गया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो मैं आपको बता रहा था, एसटीएससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी के यूआरईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल, एसटीएससी पीडब्ल्यू मतलब आप हैंडीकैप्ड हो तो आपको इस तरीके से छूट दी गई है। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो अगर आपको इसमें आते हो तो आप, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है, लगभग मैं हमने हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया है ना, हर चीज़ के बारे में चर्चा की है। ये आपको फोटो वगैरह अच्छे से अपलोड करने हैं, यही चीज़ें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है जो भी यहाँ पे बताया, क्योंकि आपके कई पार्टों में एग्जाम होगी तो नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में हमने इसमें स्टेप टू स्टेप हर चीज़ के फॉरम से लेके सिलेबस तक हमने अच्छे से चर्चा की है। जो एसएससी जीडी का सिलेबस है लगभग सेम वैसा ही सिलेबस है, बस इंग्लिश भी उसमें ऐड कर दो आप, ठीक है। तो 10वीं पास वैकेंसी है, सबसे बड़ी बात है, सभी को फॉर्म फिल करना है, ठीक है। आपकी हमेशा जॉब दिल्ली में रहेगी, दिल्ली से बाहर आप कभी नहीं जाओगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आपको प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।